नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और आज हम फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे डेयरी फार्मर्स के लिए। जो सफल डेयरी फार्मर्स हैं उनका हमेशा उनका लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन कम खर्चे में कैसे लें, और दूसरा जो उनका लक्ष्य होता है कि मेरे एनिमल्स कम से कम कैसे बीमार पड़ें दोस्तों। और जब वो डेयरी फार्म एडवांस स्टेज पे चला जाता है तो उसका तीसरा लक्ष्य और ऐड हो जाता है उसमें, और वो होता है कि मैं अपने फार्म पर ही ब्रीड कैसे तैयार करूं, हीफर्स कैसे तैयार करूं, बछियां कैसे तैयार करूं। तो दोस्तों जब वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये है कि फार्म उसका जो डेयरी फार्म है वो प्रॉफिटेबल मोड में है और ऑर्गेनाइज हो चुका है और कंफर्टेबली वो रन कर रहा है। तो ये हर एक फार्मर के तीन लक्ष्य होते हैं जो सफल डेयरी फार्मर्स होते हैं। लेकिन मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन और डिसीजेस जो बीमारियां हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपने उस जो बच्चियां तैयार कर रहे हैं अपने डेयरी फार्म पे उनको किस तरीके से उनको मैनेज किया हुआ है आपने। मतलब आपने डे वन से उनको 12-13 महीने तक जब तक उनकी फर्स्ट हीट नहीं आ जाती तब तक आपने उनको किस तरीके से उनको उनका रख रखाव किया है वो डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में आपको कितनी डिसीजेज उस एनिमल को होंगी और कितना मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा। तो जो सफल डेयरी फार्मर होते हैं वो हमेशा डे वन से उनकी डेयरी स्टार्ट होती है, जब बछिया जन्म लेती है उसी दिन से उनकी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो उतना इंटरेस्ट जो आम फार्मर्स होते हैं वो उस पर तब ध्यान देते हैं जब वो मिल्क देता है, जब वो मिल्किंग मोड में आता है। लेकिन जो सफल डेयरी फार्मर है वो हमेशा डे वन से उसको बछिया का ध्यान रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आने वाला ये मेरा असेट है जिससे मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो इसी कड़ी में मैं बात करूँगा उसकी इम्यूनिटी के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जैसे ही काफ जन्म लेता है उस टाइम पे हम सबसे पहला स्टेप होता है वो है कोलेस्ट्रम फीडिंग का। कोलेस्ट्रम मतलब गाय का पहला दूध, गाय का पहला जो थिक मिल्क होता है जिसमें प्रोटीन 4 से 5 गुना होता है, जो नॉर्मल मिल्क है उससे 4 से 5 गुना प्रोटीन होता है, जो कि एंटीबॉडी के रूप में होता है, एंटीबॉडीज होती हैं एक्चुअली उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो एक इम्यूनिटी का काम करती हैं। और उनमें विटामिन ए है जो है वो भी नॉर्मल मिल्क से करीब करीब 10 गुना ज़्यादा होता है, जो नई सेल्स को जनरेट करता है और उसको इम्यूनिटी डेवलप होने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं सारे। तो ये जो पहला दूध है गाय का जनने के बाद एक्चुअली वो वरदान है, वो अमृत है एक्चुअली उस काफ के लिए। तो ये जो मैं बता रहा था कि एंटीबॉडीज जो प्रोटीन के रूप में जो होती हैं वो एंटीबॉडीज कहलाती हैं, और एंटीबॉडीज का मतलब ये होता है जब भी हमें कोई डिसीज होती है, नॉर्मली हम इंसानों में या एनिमल्स में जब भी वो कोई भी बीमारी होती है तो हमारा शरीर उस रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। लेकिन ये जो पहला मिल्क है जिसको हम जो गाय जनने के बाद का जो पहला मिल्क है जिसको हम खीस भी बोलते हैं, चिक्की चिका कोलेस्ट्रम जो भी आप बोलें, तो इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं एक्चुअली मदर से जो मिल्क में आती हैं, और वो प्रकृति ने उस काफ के लिए, उस बच्चे के लिए एक उपहार स्वरूप की, क्योंकि फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उस काफ के, छोटे बच्चे के, बछड़े के, बछिया के, जो पहले 3 महीने होते हैं उसकी अपनी खुद की कोई इम्यूनिटी नहीं होती और वो उस टाइम में डेवलप कर लेता है। तो ये इस कोलेस्ट्रम की फीडिंग जो डेयरी फार्मिंग है, जो सफल डेयरी फार्मिंग है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझें जरा सा, क्योंकि अगर आपने उसका कोलेस्ट्रम का सही उपयोग किया, मतलब उसकी फीडिंग आपने करा दी, और ये कब करानी है आपको, विद इन 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर आपको उस न्यू बॉर्न कॉफ को, या जो जन्मा है जो बच्चा बच्चिया बछड़ा जो भी, तो उसको आपको 4 से 5 घंटे के अंदर उसको कोलेस्ट्रम फीड कराना है, वो पहला मिल्क फीड कराना है। तो उससे क्या होगा कि उसको जो उसको एक रेडीमेड इम्यूनिटी उसको मिल जाएगी, एक पैसिव इम्यूनिटी मिल जाएगी उसको, एक मतलब अपने शरीर के अंदर वो एक, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ वो रोग से लड़ने की क्षमता है नहीं, तो वो एक क्षमता उसको मिल जाएगी। और अगर उसने 3 महीने निकाल लिए, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है जनरली मैं देखता हूँ मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत हाई होती है,
और उस टाइम पे अगर आपने वो 3 महीने उसने हेल्दी निकाल लिए, क्योंकि निमोनिया डायरिया जनरली होता है उस एज में, और अगर आपने, तो उसको क्या होगा, उस टाइम पे कोई झटका नहीं लगेगा, कोई शॉक नहीं लगेगा, तो क्या होगा, वो बॉडी वेट जो गेन करेगा वो बहुत फास्ट होगा, और अगर वो हेल्दी होगा तो जल्दी वो धीरे धीरे करके आप देखेंगे 3 महीने निकल गए, जब फिर उसके बाद उसकी अपनी खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वहाँ डेवलप हो जाएगी। तो उसके बाद तो फिर क्या होता है, जब वो एक बार जो मोमेंटम में आता है तो आपको देखते हो कि आप उसको प्यूबर्टी या जो फर्स्ट हीट है वो बहुत जल्दी उसको आपको मिलती है, और आपका जो हीफर है वो जल्दी तैयार हो जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझें तो पहली बात तो ये है कि जो कोलेस्ट्रम है या जो फर्स्ट मिल्क है वो उसके लिए वरदान है, उसमें रेडीमेड इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता रेडीमेड उसको मिलती है, तो वो यूज़ करना है सबसे पहले आपको 4 से 5 घंटे के अंदर। और कितना देना है उसको, 1/10, उसका बॉडी वेट जितना है उसका 1/10। अगर वो 30 किलो का है तो आपको 3 किलो वो कोलेस्ट्रम देना है, 2-3 बार में, 2-3 बार में उसको धीरे धीरे करके 4 से 5 घंटे के अंदर उसको वो कोलेस्ट्रम पिलाना है। अब इसमें एक्चुअली मैंने देखा है कई लोगों में एक गलत ये धारणा बनी हुई है कि वो ये सोचते हैं या वो ये मानते हैं कि जब तक वो एनिमल की जो जो जब वो जनता है और उसकी जो प्लेसेंटा है, जर जेर जो है जिसको हम जेर बोलते हैं, वो अटकी रहती है, तब तक वो लोग कोलेस्ट्रम नहीं पिलाते, या वो खीस या जो भी बोलते हैं गांव में, चीका चीकी जो भी बोलते हैं उसको नहीं पिलाते। उसके कारण आपको नहीं पता कि कितनी बड़ा जो आपके लिए हानि होती है, कितना बड़ा नुकसान होता है, वो शायद वो जो न्यू बॉर्न जो एनिमल है, जो काफ है, जो बछिया है, वही शायद उस चीज़ को समझ पाएगा कि आगे चल के वो कितना बीमार होगा, वो उस टाइम की जो गलती है वो बाद में आपको पता चलती है। तो ये एक केवल भ्रांति है, एक गलत अवधारणा है कि जब तक जर नहीं छोड़ेगा एनिमल तब तक हम उसको खीस या कोलेस्ट्रम नहीं पिलाएंगे। तो ये गलत है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। उसको आप 4 से 5 घंटे में आपका टारगेट होना चाहिए कि 4 से 5 घंटे के अंदर आपको उसको कोलेस्ट्रम देना है। और अगर वो, क्योंकि न्यू बॉर्न है, नया जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके उसकी हैबिट नहीं होती सकलिंग की या उसको किस तरीके से मिल्क को लेना, तो आप उसकी हेल्प करिए, और लेकिन किसी भी तरीके से इस चीज़ को एश्योर करिए। जो ऑर्गेनाइज डेयरी फार्मर हैं, जो ऑर्गेनाइज डेयरी फार्म हैं वहाँ पे ये वो लोग जानते हैं इस पहले गाय के पहले दूध की इम्पोर्टेंस, और वो लोग क्या करते हैं, इवन उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, अगर उनके पास एक्सेस में होता है तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं वो लो टेम्परेचर पे, और उसको वो बाद में यूज़ करते हैं किसी दूसरे जहाँ पे बछिया या बछड़े के लिए, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है कि वो सफिशियंट क्वांटिटी में अगर वहाँ पे कोलेस्ट्रम वो गाय नहीं देती है। तो दोस्तों ये कहना था मेरा, और ये बहुत ही एक्चुअली माँ की तरफ से प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है उस बच्चे को, तो इसको यूज़ करिए, इसको ज़रूर से ज़रूर आप कोलेस्ट्रम फीडिंग कराएं। और इसकी एक और इसका फ़ायदा है, अगर आप कोलेस्ट्रम फीड कराते हैं, ये लग्जेटिव नेचर का होता है, ये दस्त कराने वाले नेचर का होता है, तो अगर आप इसको फीड कराते हैं फर्स्ट टाइम तो उसका जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसका पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है, उसके अंदर कुछ भी जमा होता है तो उसको पूरा का पूरा फ्लश कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसके फायदे को समझिए और यूज़ करिए इसको दोस्तों। छोटे छोटे से जो काम हैं वो बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मेक्स द बिग डिफरेंस। तो इस चीज़ को अपनाइए, और इसी तरीके से हम आपके सामने बहुत सारी सटीक और साइंटिफिक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।